ஜெயத்தர சுரவலுதன் போல சாஞ்சே ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஓம் வக்ரதுண்ட மஹாகாய சூரியகோடி சமப்ரப நிலபகன பரமே சர்வகாரியேஷு சர்வதா. ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நமஃ. அத சப்தஸ்லோக துர்க சிவ வாச தேவி த்வம் பக்த சுரமே சர்வகார்ய விதாயினி கலோ ஹி காரிய சித்யர்த்தம் உபாயம் ப்ரோஹி யத்னதாத். தேவ்யோ வாச ஸ்ருணு தேவ ப்ரவக்ஷ்யாமி கலோ சர்வேஷு சாதனம் மயா தமேவ ஸ்ரேஹேண ப்ரஹ்மா ஸ்ருதிஃ ப்ரகாஷ்யதே. ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகே ஸ்தோத்ர மந்த்ரஸ்ய நாராயண ரிஷிஹி அனுஷ்டம சந்தஹ ஸ்ரீ மஹாகாளி மஹாலக்ஷ்மி மஹாசரஸ்வத்யா தேவதா ஸ்ரீ துர்கா ப்ரீத்யர்த்தம் சப்த ஸ்லோகே துர்கா பாடே விநியோகஹ. ஓம் ஜானி நாம விஜயதாசி தேவி பகவதே பராதா கிருஷ்ண மோகாய மகாமாயா பிரயச்சதி துர்கே ஸ்மிருதாஹரிஸ்வேத்ரிமசேஷயந்தா ஸ்மிருதா மதிமதீவ சுபாந்தராசி தாரித்ர துக்கவயஹாரிணி காத்வலன்யா சர்வோபகாரகரணாய சதாதிசித்த சர்வமங்களமங்கல்யே சிவே சர்வார்த்தசாதிகே சரண்யே த்ர்யம்பகே கௌரீ நாராயணி நமோஸ்துதே. சரணாகதலீனார்த்த பரித்ராணபராயணே சர்வஸ்யார்த்திஹரே தேவி நாராயணி நமோஸ்துதே. சர்வஸ்வரூபே சர்வேஷே சர்வசக்தே சமன்விதே வைரஸ்வாயினோ தேவி துர்கே தேவி நமோஸ்துதே. ரோகாணசேஷாஞ்சபராசிதுஷ்டா ருஷ்டா துகாமான் சகலான் அவிஷ்டான் த்வாமாஸ்ருதானாம் நவிபன்னரானாம் த்வாமாஸ்ருதாயாஸ்ரயதாம் த்ரயாந்தே சர்வபாதா பிரசமனம் த்ரைலோக்யஸ்ய அகிலேஸ்வரே. ஏவமேவங்கயாக்காரியம் அஸ்மதைர்விநாசனம். ஓம் ஸ்ரீ துர்காயை நமஃ. ஸ்ரீ துர்கா ஸ்தோத்ர சதனாம் ஸ்தோத்திரம் ஈஸ்வர வாச சதனாம் ப்ரவக்ஷ்யாமி சுமஸ்வ கமலஹாசனே. யஸ்ய பிரசாத மாத்ரேண துர்கா ப்ரீதா பவேஷதே. ஓம் சதே சாத்வே பவ ப்ரீதா பவானி பவமோசனே. ஆர்யா துர்கா ஜயாச்சார்யா திரேத்ராசூலதாரிணி பினாகதாரிணி சித்ராச்சண்டகண்டா மகாதபா மனோபத்திரஹங்காரா சித்தலோபாசிதாசிதே சர்வமந்திரமயி சத்தா சத்யானந்தா ஸ்வரூபிணே அனந்தா பாவினே பவ்யா 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 சதாகதே சாம்பவே தேவ மாதா சிந்தா ரத்னா பிரியா சதா சர்வவித்யா தக்ஷ கன்யா ரக்ஷய விநாசினே அபர்ணான கவர்ணாச்ச பாட்டலா பாட்டலாபதே பட்டாம்பலபலிதானா கலமஞ்சீரஞ்சனே அமேய விக்கிரமாக்ரூரா சுந்தரே சுந்தரே பரதுர்காச்ச மாதங்கே மதங்க முனிபூஜிதா
ब्राह्मी महेश्वरी चंद्र कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा देवनारायण लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलाकर्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहला बहला प्रेम सर्ववाहन वाहन निशम्ब शम्बहलने महिषासुरमर्दने मधुकैटवहन्द्रे च चण्डमण्डाभिनाशिने सर्वासुरभिनाशा च सर्वधानवघातिने सर्वशास्त्रमये सत्या सर्वास्त्रधारिणे तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणे कुमारी चैकन्या च कैशोरे युवते अतः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महाधरे मुक्तकेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखे कालरात्रे स्तवश्वरे नारायणे भद्रकाले विष्णुमाया जलोधरे शिवधूते कराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायने च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मभाजने यायिदम् प्रवरे नित्यम् दुर्गा नाम सदाशिवम् नासाध्यम् विद्यते देवे त्रिशलोकेषु पार्वते धनन्धनम् सुधञ्जायामयमश्विनमेव च चतुर्भर्गम् सदा चान्दलभेन्मुक्तिम् च शाश्वते कुमारीम् भोजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरे भोजयन्मलया भक्त्या पठे नाम सदाशिवम् तस्य सिद्धिर्भवे देवे सर्वे सुरभरैरवे राजानो लालताम् यान्ति राज्या स्वयमवाप्नुयात् भोरोचनालक्तककुङ्कुमेण सिन्धूरकर्पूरमधुत्रयेण विलक्षयन्द्रम् विदिना विदिज्ञ भवेन् सदा धार्यते पुरारिः भौमावच्छ निशामग्रे चन्द्रे छदभिषाम् गदे विलक्य प्रबले स्तोत्रम् सभवे सम्पदाम् फला प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सब का हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सब का कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवता गण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक
इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती स्तुति करते हैं। माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच। ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः धनुष्टमछन्दः शमण्डाधिपता अङ्गन्यासोत्तमातरो बीजम् जगवन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन यभिर्विनियोगः। ॐ नमः सन्धिकायै मालकण्ठेरभाज। ॐ यद्भ्यं ब्रह्म लोके सर्वरक्षाकरं विना यन्न कस्यापि साक्षातं धर्मे ब्रह्मे पितामहः धर्मावाच। अस्य भयतमं विप्रं सर्वभूतापकारकम् दिव्यशोकवचं पुण्यं दर्शनश्च महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रगण्डे कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च दशमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। उक्तानिलालिनामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानश्च शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे देवाभयाशरणं गतः न तेषां जायते किञ्चिदशुभमरणसङ्कटे नापदं दश पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येष्ठ भक्त्या श्रुता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते यत्त्वं सुगन्धि देवेषि रक्षसे तान् सन्धयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा बालायि महिषासना अन्धेकसमारूढा वैष्णवे गरुडाचना माहेश्वरी वृषारूढा कौमालेषु किवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवे पद्महस्तारिन्द्रिया श्वेतरूपाधरा देवेश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी अन्धतमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरा सर्वा सर्वजोगसमन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नापशोभिता दृश्यन्धेरतमारूढा दिव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खचक्रकरा शक्तिमालं चामुसलायुधं खेटकान्तामरं चैव पर्शं वाचमेव च कुन्दायुधं दशोलं च जारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधा नित्यं देवानन्दयिताय वै नमस्त्यस्तु महारौद्रे महागौरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने राहिमान् देवे दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धने राज्यं रक्षतमावेन्द्रे आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणयामतु वाराय नैरृत्यां खड्गधारणे प्रतिजावारणे रक्षवायव्यामृगवाहिने उदिजावादु कामारे अशान्यांशूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवेतथ एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डाशोवाहन यामे च कृतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अयता भाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता
शिखा मध्य दिने रक्षे उमा मुर्ने लवस्तिला माला धरिल लाटे चाब्रवर रक्षे सदर्शने त्रिनेत्रा चाब्रवर मध्य अवघंटा जनाजगे जंखने जच्च जर मध्य स्रोते अर्द्वार वाजने कमालों का लिखा रक्षण कर्ण मौले तुझांकरे नाशकायां दुखंदा चा उत्तर अश्चेत दर्शिका अधरे चाम्रत कला जेवाय अंतर दरस्वने धंदा लक्ष दुख हमारे कंद देशे दिजंडिका घंट काम चित्र घंटा चा महामाया चतालुगे कामा किल्यों कम रक्षे वाचम में सर्व मंगला देवाया मध्य काले चा पृष्ठ मनसे धनम धरे नील ग्रीवा वही कंठ नल कांडल को भरे स्कंद खड़ग निरक्ष बाहो में वज्र धारणे हस्य और दंड निरक्ष कंबिका चांगुलेश नकार जोलेश्वरी रक्ष कुक्ष रक्ष कुलेश्वरे तरा रक्ष महादेवी महा शोक विनाशने ललिता देवी उदले शूल धारणे नावर्जकामिनी रक्षे मह्यं महेश्वरी तथा भोजनाकामिका मृदं कुले महिषवाहिने कर्त्रा भगवति रक्ष जानने विन्ध्यवासने जंघ महाबला रक्ष सर्वकाम प्रदायने भूभयानर सिंह च पदपृष्ठे तुकेजने पादाङ्गुलिशिशि रक्षे पादस्थलवासने नकादस्थलकलालि च केशाशेवोध्वकेशने रोमकोपेषु कवेरे तुषं वागेश्वरी तथा रक्तमज्जामसामासान्यस्तिमेधांसि पार्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावती पद्मकोशे कभे चूडामणि तथा ज्वालामुखेन कज्ज्वालाम् अवेद्या सर्वसन्धिषु शुक्लम् ब्रह्माणिने रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणे प्राणापानाधारानाम् अधानं च समानिक वज्रहस्ता च मे रक्षे प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे सुलोकने सत्पर्रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवे जलाकृतिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षे पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवे पन्थानां सहधा रक्षे मार्गं क्षेमकरे तथा रायद्वारे महालक्ष्मे विजयान् सर्वसहस्रित रक्षाहीनं गयस्थानं वर्षितं कवचेन तत्सर्वलक्ष्य मे देवे जयन्ति पापनाशिने पदमेकं न कश्येत जने शेषमात्मनः कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजयात् सार्वकामिकः द्रव्यं जन्यते कामं दन्तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेश पराजितः त्रैलोक्ये तुमले कोजः कवचेनाविशः भवान् इदं दूरेभ्यः कवचं देवानामविदुर्लभम् यः पठेन्मयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवे कला भवे तस्य त्रैलोकेश्व पराजितः जीवं वर्षलं जाग्रम् अभमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ते व्याधयः सर्वे लोता विस्फोटकादयः सभरं जङ्घमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अभिकाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भोजरः खेचराश्चैव जलया च भदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्ष जरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतविशाचाश यक्ष गन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षस वेदानः कुष्माण्डाभैरवाभयः नश्यन्ति दर्शनान्तस्य गवसे हृदि संसिते मानानतिर्भवे राज्ञस्तेयो वृद्धे कलम्बरम्
यदसा वर्धते सभ्यं कीर्तिमण्डितभूतले यवेत् सप्तशतिञ्चण्डं कृत्वा चौकवचं पुरा यावत् भ्रमण्डलं दत्त्वा सशलवनकाननम् तावत्तिष्ठतिमेजन्यां सन्ततिः पुत्रपातके देहं देवमस्थानञ्च सुरेरविदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषाणित्यं महामायाप्रसादतः लभते परमरूपं शिवेन सह बाधते अथ अर्गलस्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलस्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षि अनुष्टवसन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तदेवाधाङ्गत्येन यभिनियोगः ॐ नमः शण्ढिकायै मालकण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाक्षमा शुभदात्रे स्वाहा सदा नमास्ते जय त्वं जय विद्यामुण्डे जय भूताद्यहारिणे जय सर्वकृते जयभिकालरात्रे नमास्ते मधुकैटवविद्वावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि रक्तबीजावधे देवे चण्डमण्डविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि शुम्भस्य वनशुम्भस्य धूम्राचर्चलमर्दने रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि वन्दिताग्निजुगे देवि सर्वसौभाग्यदायने रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि अत्यन्तलोपचलित सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि चौभद्यो भक्तिपूर्वं त्वा चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि चण्डिके जलतं यत्त्वार्थयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि विदेहि द्वैतां नाशं विदेहि फलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमार्थयं रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि सुरासुरशिरोरत्नानिकृष्टाचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि विद्यामन्तर्जनमन्तं लक्ष्मीमन्तर्जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणदाय मे रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि चतुर्भुज चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि कृष्णेनाचञ्जुते देवि शश्वभक्ताचराम्बिके रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि हिमाचलसुता नाथञ्जुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि इन्द्राणि परिसर्वाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि देवे प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यसर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि देवि भक्तजनोधामा दत्तानन्ददयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यश देहि दुशादहि पत्नि मनोरमं देहि मनोवृत्तानुधारणे कारणे दुर्गसंसार सागरस्य गुणासव यदा श्रोत्रं पठित्वा तु महाश्रोत्रं पठे नरः
सातो सप्त सदे संख्या धर्म पुनाते संप्रदा अथ कीलक ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषे अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहा सरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थम् सप्तशतीपादाङ्गत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमः सन्निकायै बालकण्डेरुवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धारिणे सर्वमेतद्वियानीयान्मन्त्रनामविकेलक सोऽपिक्षेमवाप्नोति सुरव्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तुजातनादेने वस्तूनि सकलान्यवे एतेन सुवतां देवी तत्र मात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्राणाशलं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विराजाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाधुनाधिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कानिवारः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव निराशव स्तोत्रं वैचण्डिकायाश्च तच्चकर्तां चकारसः समाप्तेन पुण्यस्य तान्यथावर्ण्यन्तरा स्वोपक्षेमम् प्राप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायामाच सर्वश्यमष्टम्यावोदमायिलः प्रसीदते चित्तरूपेण क्रीलेन महादेवेन क्रीडितम् यो निष्कीलाभिधायेन नित्यम् जवति संस्फुटम् स सिद्धः स्वगणः स्वपि गन्धर्वो जायते नरः न चैव प्रस्य वयम् वाधेह जायते न भवत्योपसंजाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वेत न कुर्वाणोऽपि नश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादेया किञ्चन दृश्यते लोणायणे तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदम् शुभ शनेषु जप्यमानेषु स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रामे तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणि परो मोक्ष श्रूयते स न किञ्जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र मधुरे मधुके तव गञ्जनके तव गञ्जनि वासरते जय जय वै चाञ्जुलमञ्जनि रम्यकमाते जय मधुरे हरिजल कण्डवि कण्डतरुण्डविण्डकजाधिपते ऋषुगजगण्डवि धारण दण्ड पराक्रमचुण्डमृगाधिपते ण्डनिपातितकण्डनिपातितमुण्डपदाधिपते जय जय हे वैशाचुरमर्दनि रक्षकपादनि शैलसुते
Hare
अब अंतिम काले लास्ट विजमान से क्षमा प्रार्थना ही अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अरण्यमया दासोऽयमिति नामतः क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यत्पूजितं मया देवे परिपूर्णं ददर्शु मे अपराधजलं कृत्वा जगदं वेत्ति चोच्चरेत् यां गतिं समधापनोति न तां ब्रह्माद्यासुरा सापराधोऽस्मे जनम् सौकष्टं जगदम्बिके इदानीमनुकं व्याम् जलेच्छदेच्छदकुरु अज्ञानविस्मृतभ्राण्यां यण्योऽधिकृतां सैश्वरक्षम्यतां देवे प्रकील परमेश्वरे कामेश्वरे जगन्मातः सच्चिदानन्दविग्रहे ग्रहणार्जनिलां वेद्य प्रसीद परमेश्वरे मयादृगयगोत्रेत्वम् विहारास्मकजब सिद्धिर भवतु मे देवि सत्कृता सुरेश्वरी स
सचिय जत वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि दीन वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। माँ भगवती के नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। वास्तव में जो भी भक्तजन सच्चे हृदय से, विशुद्ध मन से इस माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती स्तुति करते हैं, माँ भगवती के चरणों का ध्यान कर करके प्रतिदिन निजो रूप से माँ भगवती के चरणों में नमस्कार करते हैं, माँ के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, इस माँ जगजननी जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। और जय भगवती आदिशक्ति उन शरणार्थ भक्तों की हर स्थान पर, हर क्षण, हर पल अंग संग रक्षा करती है, सब ओर से उन भक्तों का कल्याण करती है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक ये देवी की पूजा, ये शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। देवता जो है इस देवी की आराधना करते हैं, जब जब उन पर कोई संकट विपत्ति आती है तो समझ देवता गण जो है भगवती के शरणागत होकर के भगवती का श्रवण करते हैं, और जय भक्ति उस समय संकट काल में समस्त देवताओं की रक्षा करती। बोलो सच्चे दरबार की जय। मधुकेत विद्या विधात्री वर्धे नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मधु और केतु को मारने वाली तथा ब्रह्मा को वरदान देने वाली ये देवी, आप के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार ही। हे माँ, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। बोलो सच्चे दरबार की जय। मधुर केतव कहते हैं कि जिस समय इस सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, सर्वत्र जल ही जल था, अंधकार ही अंधकार था, और भगवान विष्णु भी शेषनाग की सज्जा पर जो है योग निद्रा का आश्रय लेकर के वह भी सो रहे थे। कुछ नहीं था, अंधकार ही अंधकार था, जल ही जल था सर्वत्र जो है। तो उस समय कहते हैं कि भगवान विष्णु के कान से जो है दो असुरों का प्रादुर्भाव हुआ। वे असुर कौन थे? मधुर केतव। मधुर केतु नाम के दो असुर जो थे जब भगवान विष्णु के कान से प्रकट हुए थे। अब मधुर केतु जो है दोनों ने जब सर्वत्र देखा जले जले हैं, तो वे ही विचार करने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण जो है कौन है, हमारी मां और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, और सर्वत्र जले जले जल जो किसके आधार पर टिका हुआ है। वह सबसे पहले तो नीचे की ओर चलेगी, जो जानने के लिए जल जो है किसके आधार पर टिका, कहीं ना कहीं पृथ्वी होगी, तो इस प्रकार नीचे की ओर जे कहीं भी जो है ने पृथ्वी दिखाई दी नहीं। फिर ऊपर आकर के जो विचार किया कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई,
हमारी जननी कौन है, हमारी माँ कौन है। इस प्रकार से जे दोनों जो है मधुर केतव जो है जे विचार करने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो। उस समय जो है दोनों विचार कर करके जो है भगवती की आराधना करना प्रारंभ कर दे, जो निर्णय लिया कि माँ भगवती हमारी जननी है, सृष्टि की रचयिता यही है, माँ है। तो दोनों असुर जो है आ भगवती की आराधना करने लगे। कहते हैं बड़ी घोर तपस्या की दोनों असुरों ने जो है माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को जाने के लिए तप किया। निराहार व्रत करते हुए भगवती की आराधना करते रहे और ऐसा तप किया जिनकी तपस्या से माँ भगवती आदिशक्ति प्रसन्न हुई। जब प्रसन्न हुए तो माँ ने दोनों असुरों को साक्षात दर्शन दिए। बोलो सच्चे द्रव्य की जय। दोनों असुरों को माँ के दर्शन हुए और माँ के दर्शन कर करके वे दोनों ही बड़े प्रसन्नचित हुए। माँ के दर्शन हुए साक्षात। दोनों असुर जो है माँ के चरण दंडवत प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से माँ की स्तुति करते हैं। तब माँ ने कहा कि आपकी तपस्या से, आपकी स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। हे देत्यो भरम ब्रोही, आपके मन की जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो, आप जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए। तब दोनों असुर ने कहा कि माँ आप तो सब जानते हैं कि पुत्र क्या चाहता है, और फिर भी जब हम ही से पूछना चाहती हो तो माँ हमें ये वरदान दीजिए इच्छा मृत्यु का, हमें कोई भी देवता जो है युद्ध में पराजित न कर सके, हम इतने शक्तिशाली हो जाएं युद्ध में हमें कोई पराजित न कर सके, और हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए कि हम जब चाहें स्वयं जब चाहें तो ही हमारी मृत्यु हो, ऐसे हमारी मृत्यु न हो। माँ ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा, जब स्वयं आप मृत्यु स्वीकार करोगे तो ही आप तो मृत्यु होगी, नहीं तो कोई भी आपको युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको मार नहीं सकेगा। ऐसा वरदान देख करके माँ भगवती बाण से अंतर ध्यान होगी। अब दोनों असुर जो है जब उन्हें वरदान प्राप्त कर लिया तो विचार करने लगे कि जगजननी जगत माता ने हमें वरदान दे दिया इच्छा मृत्यु का, अब कौन है जो चाहे मरना, तो कोई भी नहीं चाहता। व्यक्ति कितने भी कष्ट में क्यों ना हो परंतु वह जीना चाहते हैं, कोई ना कोई उपाय कर करके जो है वह यही उसकी कोशिश रहती है कि मैं बच जाऊं, मेरा जीवन बच जाए, मैं जीवित रहूं, कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना ही चाहते। परंतु जिसका जन्म है उसका मरण जो है वह निश्चित है, ये विधि का ऐसा ही विधान है, ऐसी परंपरा है। जिसका जन्म अवतार भी देवता जो पृथ्वी पर जो अवतार लेते हैं उसको भी समय आने पर जाना पड़ता है, जहां तक ब्रह्मा की आयु भी निर्धारित है। जब आयु समाप्त होती है तो ब्रह्मा को भी जाना पड़ता, दूसरा ब्रह्मा आता है। अब जो है दोनों असुर ने विचार किया कि माँ से हमने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिए है, अब तो हमें कोई मार नहीं सकता, अब देवता जो है हमें पराजित कर नहीं सकते हैं, ना ही हमें मार सकते, ना युद्ध में पराजित कर सकते हैं। अब जो है दोनों असुर जो है इधर देखने लगे कोई ऐसा मिले जिसके साथ हम युद्ध करें। अब चारों ओर देख रहे हैं सर्वत्र जल ही जल है, तब उनकी दृष्टि जो है भगवान विष्णु के नाभिक कमल पर उत्पन्न जो है ब्रह्मा जी पर पड़ी। ब्रह्मा की उत्पत्ति जो है जय भगवान विष्णु के नाभिक कमल से हुई है। तब जो है कमल पर विराजमान जो है ब्रह्मा के उन दोनों असुरों के दर्शन हुए उस जल में। अब जो है ब्रह्मा जी को जब उन्होंने देखा, दोनों असुर ब्रह्मा के पास चले गए और उसको ललकारा, कहा कि ब्रह्मा हमारे साथ युद्ध कीजिए, युद्ध कीजिए, यदि आप युद्ध नहीं कर सकते तो हमारी दासता स्वीकार कर लो, आपको स्थान पर बैठने को कोई अधिकार नहीं, यदि आप हमारे साथ युद्ध नहीं करते, हमारी दासता स्वीकार कर लो। तब ब्रह्मा जी घबराए, अब क्या करूं, कहां जाऊं, जो दोनों असुर जो हैं इतने शक्तिशाली हैं, ये तो मुझे मार देंगे, ब्रह्मा भी भयभीत हो गए, ऐसे भयभीत हुए। और इस प्रकार से अब अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए कि असुर मुझे मार न दे,
तो अपनी रक्षक लिए अब इधर उधर जो कोशिश करने लगे, तब जब कमल की नाल पकड़कर नीचे उतरे तो भगवान विष्णु जो है जिस शेषनाग की सज्जा पर शयन कर रहे हैं। आप जाकर के भगवान विष्णु को उठाते हैं, हिलाते हैं, डुलाते हैं। बहुत प्रजनन किया ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को जगाने के लिए, परंतु भगवान विष्णु की नींद टूटी नहीं, क्योंकि ये सारा यज्ञ जो है इस भगवती के अधीन है। जब जो चाहे तभी जो वही होता है, तो जीवी निद्रा के दिन जा देवी सर्वभूतेशो निद्रा रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। निद्रा के रूप में यही भगवती विराजमान है, उसको बार बार हम नमस्कार करते हैं, कब किसको कहां सुला देती है पता नहीं चलता, और जगाने वाले भी यही है। अब जो ब्रह्मा कितना प्रजनन करते हैं, हिला रहे हैं उसको कि उठो जगो, दो असुर आ गए हैं मुझे मारने के लिए, जो मुझे मार देंगे, उठिए और इन असुरों के साथ युद्ध कीजिए, परंतु भगवान विष्णु जागते नहीं है, उठ नहीं पाते हैं। तब जो है जब देखा कि अब क्या करूं कहां जाऊं, तो स्वयं भयभीत हुए ब्रह्मा जी जो है माँ भगवती का स्मरण करते हैं, माँ के शरणागत हुए और माँ से प्रार्थना की कि अब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, माँ मुझको भगवान विष्णु को भगवान शिव को शरीर धारण करवाने वाली आप हो, हमारी उत्पत्ति का कारण आप हैं, आप ही हमें उत्पन्न करने वाली आप हमारी माँ हो, हे माँ जब हमें उत्पन्न किया फिर असुरों को क्या उत्पन्न कर दिया, और जब इनको असुरों को उत्पन्न किया है फिर माँ भगवान विष्णु को जगा दो, इसको जगा दीजिए और जे निद्रा से जगे और इनमें ऐसी बुद्धि डालिए ताकि जो है जिन असुरों से युद्ध करें, नहीं तो ये दोनों असुर जब मुझे मार देंगे। इतने भयभीत हुए जो है उससे माँ की स्तुति करते हुए जब माँ से प्रार्थना की, कहते हैं प्रार्थना में बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, जब भी जीवन कष्ट विपत्ति ऐसे में शिक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मा पर भी जब विपत्ति आई तो ब्रह्मा ने माँ को स्मरण किया, माँ को ही याद किया, भगवान विष्णु भी उनकी सहायता नहीं कर पाए समय, क्योंकि वह जाग नहीं सके, इस प्रकार से निद्रा के अधीन हो चुके हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो जो है भगवती के शरणक धोकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, तब जो है माँ ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न हुई और तब जो है ब्रह्मा जी को उन्होंने वरदान दिया। तो इस प्रकार से मधुकेत विद्रव्य विधात्री वरदे नमः रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जी दुर्गा सरस्वती प्रार्थना की। अभी आपने जो प्रार्थना की श्लोक से मधु केतु को मारने वाली तथा ब्रह्मा को वरदान देने वाली हे माँ आपके चरणों में हम सभक्तों का नमस्कार है कि भगवती आप हमें रूप दें, जय दें, यश दें, हमारे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करें, भक्तों का कल्याण करें। माँ भगवती ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न हुई और जो उसे दर्शन दिए, और अब जो है माँ की कृपा से जो है भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जाग उठे, और उठते जो है दोनों असुरों को उन्होंने देखा और उनके साथ बहु युद्ध करने लगे। कहते कि 5000 वर्षों तक जो है भगवान विष्णु इन दोनों असुरों के साथ मधुर केतु के साथ बहु युद्ध करते रहे, परंतु उनको पराजित नहीं कर पाए। 5000 वर्ष है। अब जो है भगवान विष्णु विचार करते हैं कितने समय से मैं युद्ध कर रहा हूं, ये वैसे के वैसे बलशाली है, कभी थकते नहीं है, निरंतर मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं, जो मुझसे पराजित नहीं हो पा रहे, कारण क्या है? तब भगवान विष्णु ने जीवन दोनों असुरों से कहा कि असुरो सुनो, मैं इतने समय से आपके साथ युद्ध कर रहा हूं, मैं आपको पराजित नहीं कर पाया। देखिए मैं निरंतर आपके साथ बहुत युद्ध कर रहा था और आप दो असुर हैं, आप दोनों बारी बारी विश्राम कर लेते हैं, परंतु मैं अकेला ही आपके साथ 5000 वर्षों से युद्ध कर रहा हूं, इसलिए आप थोड़ा सा मुझे विश्राम करने दीजिए, फिर उसके बाद फिर युद्ध करेंगे। उसने कहा ठीक है विष्णु, जाओ थोड़ा विश्राम कर लो, फिर मैदान में आ जाओ, फिर युद्ध करेंगे। इतना कहकर असुर जी वहां से चले गए और भगवान विष्णु जो है एकांत में बैठे और ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके मां का स्मरण किया,
कि कारण क्या है। भगवत के जब स्मरण किया तो देखा कि माँ ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, अब कैसे अपनी मृत्यु स्वीकार करेंगे। तब भगवती की स्तुति करते माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की स्तुति की और माँ से कहा कि माँ जब आपने इन दोनों असुरों पर कृपा कर करके इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, अब आप बतलाइए मैं इनको कैसे मार सकता हूं। अब आप ही हैं, आप इन दोनों असुरों का मोहित कर दो, इन्हें मोहित कर दो और इस प्रकार से इनमें ऐसी बुद्धि डालो ताकि ये दोनों असुर जो हैं अब मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर ले। मां से ही प्रार्थना की। तब मां ने भगवान विष्णु से कहा कि अब आप युद्ध में जाइए, अब दोनों असुरों को मैं मोहित कर दूंगी। जैसे भगवान विष्णु युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, सामने जाते हैं, सामने से दोनों असुर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए और बीच में भगवती प्रकट हो जाती। बोलो सच्चे माँ भगवत का इतना अत्यंत सुंदर रूप है, इसे त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। जिस उस सुंदर रूप को जो देख करके दोनों असुर जो है मोहित हो गए, माँ को देखते ही माँ के दर्शन करते ही अब जो है दोनों मोहित, ऐसा मोह हुआ दोनों असुरों को जो माँ की ओर एक तक देख रहे हैं। उधर भगवान विष्णु जो है वह विराजमान है। अब भगवान विष्णु ने दोनों असुरों कहा कि असुरों आप इतने शक्तिशाली हैं, मैं 5000 वर्षों तक निरंतर आपके साथ युद्ध करता रहा परंतु मैं आपको पराजित नहीं कर पाया। आपकी वीरता पर जो है मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं आप इतने शक्तिशाली इतने योद्धा हैं और मैं आपको पराजित नहीं कर पाया, इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं। आपके मन की जो इच्छा हो मुझसे वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु कहते हैं मैं आप पर प्रसन्न हूं और वरदान देने के लिए तत्पर हूं, इसलिए आप मुझसे वरदान मांगिए। दोनों असुर ऐसे मोहित हुए और भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे विष्णु हम कोई भिखारी भिक्षुक नहीं है, हम कोई मांगने वाले नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हम तो दाता हैं, हम तो देने वाले हैं। ऐसे मोहित हुए कि हम तो दाता हैं देने वाले हैं, भगवान विष्णु से कह रहे हैं। तब कहा कि विष्णु हम आपकी वीरता पर प्रसन्न हुए। उल्टा भगवान विष्णु को कह रहे हैं हम आपकी वीरता पर प्रसन्न हुए, आप अकेले निरंतर हमारे साथ निरंतर 5000 वर्षों से युद्ध करते रहे, हम दो असुर जो है बारी बारी विश्राम भी कर लेते थे और इस प्रकार से हम जो है आपके साथ युद्ध करते रहे, हम आपकी वीरता प्रसन्न हुए, हमसे आप वरदान मांगिए। भरम ब्रूही दोनों असुर भगवान विष्णु से कह रहे हैं हमसे आप वरदान मांगिए। और भगवान जो है इसी समय की प्रतीक्षा में थे कब मुझे मौका मिले। तब भगवान विष्णु का ठीक है, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो इस समय दूसरे वरदान से क्या लेना, अब दोनों असुर जो हैं मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लो। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब दोनों असुर को होश आया, ये क्या कर दिया हमने, अब होश आया क्या कर दिया, धोखे में आ गए। तब जो है अब कह तो दिया वरदान मांग ले, भगवान विष्णु अपना वरदान मांग लिया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है विष्णु, पहले आपने हमें कहा था वरदान मांगने के लिए तो हम भी अपना वरदान मांगते हैं। दोनों असुर ने जब सर्वत्र जल जल देखा तो उन्होंने कहा कहीं हमारा वध वहां पर होना चाहिए जहां पर सूखा स्थान हो, जहां पर जल ना हो, सूखे स्थान पर जो है हमारा वध होना चाहिए। भगवान विष्णु का तथास्तु, ऐसा ही होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं दोनों जो हैं अब अपने मृत्यु का स्वीकार करते हुए अपने दोनों मस्तक जो आप मेरी जंघा पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ऐसी माया फैलाई कि वह सर्वत्र देखते हैं सूखा है, सूखा कहीं जो है गीला दिखाई देता नहीं, ऐसी आकृति भगवान विष्णु बढ़ा दी और सामने जो अपना जो है उसने जंघा रख दी, दोनों मस्तक मेरी जंघा पर रख दो। अब दोनों असुर जी अपने मृत्यु को स्वीकार करते हुए अपने मस्तक जो है भगवान विष्णु की जंघा पर रख देते हैं और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र द्वारा दोनों के मस्तक काट दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से उस समय ब्रह्मा जब संकट में आए तो भगवती का स्तवन किया और माँ की कृपा से जो है जे भय से ब्रह्मा मुक्त हुए माँ की कृपा से। तो ब्रह्मा को उन्होंने वरदान दिया। इस प्रकार से जो भगवती जो है
सबकी रक्षा करती हैं, सबका कल्याण करती हैं। वास्तव में ये देवताओं को भी शक्ति देने वाली, देवताओं के वरदान देने वाली यही भगवती हैं। चाहे वह मधु केतु हैं, शुंभ नृसिंह हैं, इसमें जो हैं रक्त बीज आदि जितने भी देवते हुए हैं सभी भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं। जब शक्ति संपन्न होते हैं फिर क्या करते हैं, उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। जब जब ये व्यक्ति जो है शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो क्या होता है, विनाश होता है। रावण ने कितनी सिद्धियां प्राप्त की, अनेक शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली। रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। चार वेद, शिव शास्त्र, 18 पुराण जो जिसको कंठस्थ है, ऐसा विद्वान व्यक्ति तो वह कोई सामान्य व्यक्ति हो सकता है, परंतु वह भगवती महामाया उसी के द्वारा सारा जगत जब मोहित है, परंतु वह बुद्धि काम नहीं कर पाई कि मैं कहता हूं शक्ति संपन्न होगा, उसका दुरुपयोग किया। तो क्या किया, जब बुद्धि मलिन होती है तो क्या करता है व्यक्ति, बुरे कर्म करता है। तो क्या किया, बुद्धि मलिन हुई, शक्ति संपन्नता अहंकार हुआ, तो सीता का हरण कर लिया, माँ सीता का, जगजन्य का हरण कर लिया, तो क्या हुआ, विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ। इसलिए जीवन में जो है ये संकल्प ले लेना, कभी जीवन किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक शक्ति ही, चाहे धन शक्ति ही, चाहे ज्ञान शक्ति ही, जो भी अन्य शक्तियों से आप संपन्न हैं, उन शक्तियों का भी जीवन में दुरुपयोग मत करना। देवी की कृपा से जब आप शक्ति संपन्न हो, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उसका सदुपयोग करना, कुछ समय मिलता है। व्यक्ति संपन्न होता है सब शक्तियों से, और यदि भी उस समय सदुपयोग करता है उन शक्तियों का, तो उसका जो है इस लोक में कल्याण होते हैं और उसका परलोक भी मंगल में हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। तब समय अधिक चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, निवेदन कर रहा हूँ श्री सूर्य जी से, माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिल प्रबल ताली बजाते हैं श्री सूर्य जी। जय दरबार की जय। पाया तेरे दर तो माँ रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आया तेरे दर तो माँ रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। आया तेरे दर तो माँ रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो माँ रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो तेरे दर तो माँ
ਮਸਤਾਨੀ ਆਦਮ ਬਾਣੀ ਸੰਕਟ ਕਾਂਦੇ ਖੇਲਦੀ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ
जिथे दर्रे दर्रे ते बिच माता नूर समाया है जिथे दर्रे दर्रे ते बिच माता नूर समाया है जिथे दर्रे दर्रे ते बिच माता नूर समाया है जिथे कण कण दे बिच महामाया दी माया है जिथे माया दी माया है हां हां जिथे कण कण दे बिच महामाया दी माया है जिथे कण कण दे बिच महामाया दी माया है जिथे मैया हाथ कुवारी शेर सवारी लगती प्यारी संत जगा दे खेलती कल पे मना चल उठे चली कल पे मना चल उठे चली चल पे मना चल उठे चली चल पे मना चल उठे चली हो जिथे बाण गंगा का पानी रुदमत पानी आजब पानी संत जगा दे चल पे मना चल उठे चलिए 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 जिथे बिच गुफा ते बैठी मैया चंदे वाली जिथे बिच गुफा ते बैठी मैया चंदे वाली हो जिथे बिच गुफा ते बैठी मैया चंदे वाली जिथे बिच गुफा दे बैठी मैया चंदे वाली ओ ऐसे दर तो कोई सवाली ना मुड़े आए खाली ऐसे दर तो कोई सवाली ना मुड़े आए खाली ओ ऐसे दर तो कोई सवाली ना मुड़े आए खाली ऐसे दर तो कोई सवाली ना मुड़े आए खाली ओ जिन्नू पूछे दुनिया सारी जग तो न्यारी मैं बलिहारी संग जगा दे खेलती चल पे मना चल पे मना चल उठे चलिए जिथे बाण गंगा दा पानी रुदमत थानी आदब थानी संग जगा दे खेलती चल पे मना चल उठे चलिए चल पे मना चल उठे चलिए जिथे ब्रह्मा विष्णु शंकर शीश झुका देने जिथे ब्रह्मा विष्णु शंकर शीश झुका देने हां हां जिथे ब्रह्मा विष्णु शंकर शीश झुका देने जिथे ब्रह्मा विष्णु शंकर शीश झुका देने हां हां जिथे देव देवे खुद हाथरियां लगवा देने जिथे देवता भी हाथ लगवा देने हां हां जिथे देवता भी खुद हाथरियां लगवा देने देवता भी खुद हाजरियां गवांदे ने ओ जिथे पिंडी रूप च माता जगदी दाता भाग विदाता संग जगांदे खेलदी संज दुनिया चल उठे चलिए चल पे मना चल उठे चलिए चल पे मना चल उठे चलिए चल पे मना चल उठे चलिए ओ जिथे बाण गंगा दा पानी रुदमत थानी आदब पानी संग जगा दे खेलती चल पे मना चल उठे चलिए 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 जिथे पर्वत दी चोटी ते माता पवन सुहाना है जिथे पर्वत दी चोटी ते माता पवन सुहाना है ओ जिथे पर्वत दी चोटी ते माता पवन सुहाना है ओ जिथे पर्वत दी चोटी ते माता पवन सुहाना है ओ जिथे आके लखा तरगे लखा ने तर जाना है ओ जिथे आके लखा तरगे लखा ने तर जाना है ओ जिथे आके लखा तरगे लखा ने तर जाना है ओ जिथे आके लखा तरगे लखा ने तर जाना है ओ जिथे चंचल पेटा पाए दर्शन पाए शीश झुकाए संग जगा दे खेलदी चल पे मना चल उठे चलिए 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 जिथे बाण गंगा दा पानी रुदमत थानी
ਸਾਧ ਭਵਾਨੀ ਸੰਗਤ ਕਾਦੇ ਖੇਲਦੀ ਚੱਲਦੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਓ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਬੇ ਮਨਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਓ 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 ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਓ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਓ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਰਵਨੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਜਬ ਜਬ ਭੀੜ ਪੜੀ ਹੈ ਹਮ ਪਰ ਤੂਨੇ ਹਮੇ ਸੰਭਾਲਾ ਹੈ ਜਬ ਜਬ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ 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 ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗੀ ਹੈ ਮਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗੀ ਹੈ ਮਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗੀ ਹੈ ਮਨ ਮੇ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਰਸ ਕੀ ਆਸ ਲਗੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਦਾ ਆਣ ਪੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਦਾ ਆਣ ਪੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਦਾਨ ਪੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਦਾਨ ਪੜੀ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੇ ਨਾਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੋ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਮਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੇ ਨਾਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੋ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਮਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੇ ਨਾਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੋ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਮਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੇ ਨਾਵ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਰ ਦੋ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਓ ਮਨ ਮੇ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਂ 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 ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਮਾਂ ਹਮਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂਗੂ ਤੁਝ ਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਝ
क्या मैं मांगूंगा नहीं तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है तुझसे क्या मैं दाती मांगू तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है तुझसे क्या मैं दाती मांगू तुझसे कुछ भी छुपा नहीं है तुझसे कृपा करो माँ जग कल्याणी भूल चूक जो हुई है मुझसे कृपा करो माँ जग कल्याणी भूल चूक जो हुई है मुझसे कृपा करो माँ जग कल्याणी भूल चूक जो हुई है मुझसे कृपा करो माँ जग कल्याणी भूल चूक जो हुई है मुझसे क्षमा करो हे जगत भवानी मेरा हर अपराध माँ क्षमा करो माँ जगत भवानी मेरा हर अपराध माँ क्षमा करो हे जगत भवानी मेरा हर अपराध माँ क्षमा करो माँ जगत भवानी मेरा हर अपराध माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात माँ मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात माँ दर्शन 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 दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे सब भक्तों की पीड़ा हरती मेरी बार क्यों देरी करती सब भक्तों की पीड़ा हरती मेरी बार क्यों देरी करती सब भक्तों की पीड़ा हरती मेरी बार क्यों देरी करती सब भक्तों की पीड़ा हरती मेरी बार विधि न जानू पूजा की मैं जो मन में वो बात है कैसी विधि न जानू पूजा की मैं जो मन में वो बात है कैसी विधि न जानू पूजा की मैं जो मन में वो बात है कैसी विधि न जानू पूजा की मैं जो मन में वो बात है कैसी वेद मंत्र का ज्ञान नहीं है विनती करो स्वीकार माँ वेद मंत्र का ज्ञान नहीं है करो स्वीकार माँ वेद मंत्र का ज्ञान नहीं है विनती करो स्वीकार माँ वेद मंत्र का ज्ञान नहीं है विनती करो स्वीकार माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे 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 माँ मन में ध्यान रहे तेरा दिन रात 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 माँ दर्शन 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 दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे माँ दर्शन दे दे माँ हमको दर्शन दे हमको दर्शन दे हमको दर्शन दे ओ हमको दर्शन दे हमको दर्शन दे ओ हमको दर्शन दे 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 जयकारा शेरा वाली दा बोल सत्य दरबार की जय अगला वचन प्रस्तुत करेंगे श्री जयपाल जी जयकारा शेरा वाली दा बोल सत्य दरबार की जय सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माग्या शुभा में गाऊं मई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ सुबह में गाऊं माई तेरे भवन आज उजाला कर दे
का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या सुभा में गाऊ मई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या सुभा में गाऊ मई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ चौरासी सीत मई सेवा में दिन रात रे नाथ चौरासी सीत मई सेवा में दिन रात रे नाथ चौरासी सीत मई सेवा में दिन रात रे नाथ चौरासी सिद्ध मई सेवा में दिन रात रे पांच पांडव छठा नारायण दिन रात माई तेरी टहल रे पांच पांडव छठा नारायण दिन रात माई तेरी टहल रे राम कृष्ण भी मांगे माई लक्ष्मण भैया खड़े खड़े सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या सुभा में गाऊ माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊ माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या सुभा में गाऊ माई तेरे भवन के आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माँ क्या शोभा में गाऊ माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे माँ आज उजाला कर दे माँ कौरव का नाशिया
शोभा मैं गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे मां आज उजाला कर दे मां सत की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला दिल रामा क्या शोभा मैं गाऊं माई तेरे भवन की आज उजाला कर दे आज उजाला कर देवा सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माजा शोभा में गाऊं मई तेरे भवन की आज उजाला कर देवा आज उजाला कर देवा सत्य की ज्योति धर्म का दीपक ज्ञान उजाला खिल रहा माजा शोभा में गाऊं मई तेरे भवन की आज उजाला कर आज उजाला कर दे मां आज उजाला कर दे मां आज उजाला कर दे मां जयकारा शेरावाली का बोल सत्य दरबार की जय आरोड़ा सुधांश भ्रमतिज गगने दक्षिणे चक सूत्र वामे हस्त दिभ्यां भ्रकणकमयं पुस्तकं जनगम्यं साविना भादन्ते स्वकृतजपे शास्त्रविज्ञान शब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारते सुप्रसन्ना सच्चिया ज्योतां वाले माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 दक्षिणायन उत्तर गोल वर्षा ऋतु अषाढ़ मास की आज आठ प्रविष्टि ही ज्येष्ठ शुद्ध शुक्ल पक्ष आज दसवीं तिथि ही शुक्रवार तदनुसार 22 जून सन 2018 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को मां भगवती के असीमण कंपा से मां भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जो भक्तों को इस आरती की पर्वित्र वेला में मां के चरणों बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मां भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी इस परम पवित्र वेला में मां वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करने दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्प दलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पूजनरत है सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रानाम देस्तु शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात् शुभमानम हीयते धनम धन्यम पशुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों के दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरे मैया जय रामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद
की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो जय माता दी, सम्मल बोलो जय माता दी, तू बोलो जय माता दी, जान विजय के जय माता दी, 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 जय माता जी, 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 जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय 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 जय अम्बे, सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना, ओ देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि में परम सुख, देहि में परम सुख, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, दिशो देहि दिशो जहि, दिशो देहि दिशो जहि, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, सर्वमंगल मंगले, सर्वमंगल मंगले, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, शरणागत दीनार्ते, शरणागत दीनार्ते, परित्राण परायणे, परित्राण परायणे, सर्वस्यार्थे हरे देवी, सर्वस्यार्थे हरे देवी, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः। बैठे आरती क्रम देखे सुने और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
कत्मेंद्र जी को वंदना द्वितीय आज गले द्वितीय चिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश रहे माँ आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण मई आठ पैर जो सतगड़ी जो चरमा दा ज्ञान जय शांताकारं गुरुमशयनं परमानं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यावंगं वंदे विष्णु भगवन् सर्वलोकेतमात्मकं अस्तुतं केशवं रामनारायणं कृष्णदासं वंदे शिवरं माधवं कौशिकावेरहं जानकीनाथं श्रीरामचंद्रं भजे हरे मुरारे मुरुगे दुलारे गोविंद गोपाल माधव किशोरे ज्ञानं पदेहि शरणं पदेहि विद्या पदेहि भगवन् नमस्तुते सत्या ज्योता बाली माता तेरी सदा पंचफूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा खुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा गुफा विच निवास करने वाली माता तेरी सदा लंकरा भी ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की धर्म की धर्म की धर्म का धर्म का धर्म का प्राणियों में विश्व का भारतवर्ष हर हर महादेव गुरु बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय गुरु सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय गुरु सच्चे दरबार की जय जनों को माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। जगरा शरा वाली दा ओम नमो देवे महादेव शिवाय सप्तम नमः प्रत्यय वज्राय एकाय प्रणदाय संताम ओम गंगोहारं भ्रादर्शं कृष्णं देवे ईश्वरं सर्वभूतानां कामविद्येशनाम श्रीपुंधं कमलं दग्धं सर्वं स्मरणं लेपनं च देवेशे कमलं ओम रथं च प्रत्येकाग्निं चारणं तृतीयं तरं हृदये पशुपालं देवं ಪರಿಪ್ರಾಂತರಾಯಣೆ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ದೇವೀ ದುರ್ಗೇ ದೇವಿ ನಮಸ್ತೆ ರೋಗಾನ ಶೇಷಾಂಸದೃಷ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಕೃಷ್ಟ ರಾಮಾಶಿಧಾನ ಕಾಮಾಶಿಧಾ ಪ್ರಶಮನ ನೈಲೋಕ್ಯಖಿಲೇಶು ಯಾಣಿಕಾಣಿ ಚ ಪಾಪಾಣಿ ಜನ್ಮಾಂತರಿತಾಣಿ ಚ ಯಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ನಶ್ಯಂತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಪದೇ ಪದೇ ಓಂ ಜಯತೀರ್ಥಾನಿ ಪ್ರಚರಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸಂಜಿನಃ ಶ್ರೀ ಸಹದೇವಿ ಸುಖಿಯೋ ಧನ್ವಾನಿ ಅಬ್ಜೆ ವಾಲೆ ಹಾಸೆ ಸುಖಿ ವಾಜನೆ ಜೋ ಜೋ ಸೆ ದಪ್ತಿ ಲೆನಿ ಹೈ ಜೋ ಜೋ ಸಪ್ತಿ ದೋ ಜೋ ಸೆ ಸಪ್ತಿ ಲೆನಿ ಹೈ ಸತ್ಯ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಮಃ